दिवाली में पंडित रामफल बोले हैं एक ठो उपाय करने के लिए। क्या उपाय बोले अम्मा जी? तो भिखारी को जो है अब बढ़िया से व्यंजन बना के खिलाना है। आपको पता भी है कि हमको भिखारियों से कितना लगाव है? क्यों लगाव है आपको भिखारियों से? हमको ना लड्डू की भैया जब पहली बार मिले थे ना तो भिखारी के रूप में ही मिले थे। चल क्या ले गया आगे डब्बे में? इसमें केसर का हलवा और पूरी है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये हलवा पूरी वही है जो आप भिखारी को देखे हैं? इसका मतलब ये है कि विभू ने भिखारी से छीन कर मुझे हलवा पूरी लाकर दिया। आपने केसर वाले हलवे के राइट्स खरीद लिए हैं? भले ही भाभी जी ने हमें लताड़ दिया है लेकिन अंगूरी के हाथ के बने खाने का स्वाद हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि अंगूरी नहीं बनाया है। और बिल्कुल वैसा ही स्वाद केसर के हलवे और पूरी में भी था। और बिल्कुल वही हलवा और पूरी जो है हम भिखारी को देने गए थे। इसका मतलब हमारा अंदाजा सही है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि भभूति जी ने भाभी जी से झूठ बोला हो। तू क्या कर रहा भैया? पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या? वो भाभी माने हमें नया आइटम बम दिलाए थे ना वही देख रहा हूँ। चाहिए क्या? भैया अम्मा आ गई। तुझे कैसे पता भाई? वो उनका फोन आया था थोड़ी देर पहले। ये अन्ना दरवाजा खोल। बाल सही नहीं करवाया अम्मा? बाल सही नहीं करवाए? हाँ अभी हम तुमको सही करते। सही करते का बोले थे? घंटे ठीक करवाना कहे थे ना? कहे नहीं करवाया? अरे कहे करवाया है अम्मा? वो तो हम इलेक्ट्रिशियन को बोले थे लेकिन वो अपने रिश्तेदार की शादी में गया, बोला 2-3 दिन बाद लौटेगा। अरे तो का पूरे कानपुर में एक ठो इलेक्ट्रिशियन है और दूसरा कोनो नहीं है? नहीं है का? नहीं है हां अम्मा जी। प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। बहुरिया हमरा एक बात सुनो है, ई बैल के भरोसे में रहेगी ना तो ई घंटी कोनो दिन ठीक नहीं होने वाला है। ई लिए जो है घंटी ठीक करने का जिम्मेदारी हम तुमको दे रहे हैं। है इकबा अम्मा जी आप बिल्कुल तान से ना ही लीजिए। हाँ हम खुद ही जाकर वो डाइटिशियन को बुलाएंगे और उसको ठीक कराएंगे। वो इलेक्ट्रिशियन होता है पगली? सही पकड़े हैं, हम खुद ठीक करवा देंगे। वैसे अम्मा जी अचानक कैसे आना हुआ? हाँ 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 वो कहा है कि पंडित रामफल हमको बुला लिए। ये पंडित रामफल में भी बहुत कीड़े हैं। का बोला रे बैल? कुछ नहीं, हमने का बुला लिया पंडित रामफल ने। वो कहा है कि इस साड़ी और जलेबी जो है भिखारी को दान में देना है। अरे साड़ी भिखारी को दान में देने की क्या जरूरत आ गई? बैल तू ज्यादा चबड़ चबड़ ना ही कर, समझा? इस साड़ी और सवेरे सवेरे गरम गरम जलेबी जो है बहुरिया से बनवा करके भिखारी को दान में दे के आना, उसे बहुत लाभ होगा। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम ऐसा कर देंगे। चलिए आपको गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। हाँ अरे बहुरिया करंट खाए हैं, खाना खाना पड़ेगा। हमरा तो पता नहीं साहब, भिखारी को जरूर लाभ होगा। आई 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 आई
पता है अम्मा जी, ये बम ना लड्डू को हमें दिए थे। इतना अच्छा फूटा है। अदु बेबी आई एम होम। इतनी देर क्यों लगा दी? बेबी मुझे प्रेम के यहाँ जॉब मिल गया। प्रेम के यहाँ जॉब मिल गई है? अच्छा कैसी जॉब है? देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और साथ में प्रॉपर्टी भी है, तो मैं दोनों मैनेज कर रहा हूँ। वाओ बेबू, तुमने दोनों जिम्मेदारियाँ साथ साथ निभा ली है। हाँ अच्छा अपनी आंखें बंद करो। सरप्राइज है मेरे लिए, सरप्राइज है ना। मैं तुम्हें अपनी भरे दिन की कमाई देना चाहता हूँ। भरे दिन की कमाई? मतलब तुम्हें आज तनख्वाह भी मिल गई? वो कंपनी का रूल है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ना रोज तनख्वाह देते हैं। तुम आंखें तो बंद करो ना यार। ये और ये, अब आंखें खोलो। क्या है बेबू? बेबी मेरे पूरे दिन की कमाई मतलब तनख्वाह है आज की मेरी 5,150 रुपए 75 पैसे। और ये पोटली में क्या है? इसमें 1 रुपली 2 रुपली कुछ 50 पैसे कुछ खोटे सिक्के वगैरह वगैरह। 1 रुपली 2 रुपली खोटे सिक्के 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए ये क्या है? ऐसी तनख्वाह तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। बेबी क्या है कि वो कैशर है ना, उसके पास 2,000 के नोट थे, तो मैंने कहा नहीं भाई छुट्टा नहीं मिलता 2,000 रुपए का, तो ऐसे तू चिल्लर दे दे मुझे। 500 के नोट ले आते, 100-100 के नोट ले आते। नहीं थे ना उसके पास, उसके पास या 2,000 के नोट थे या फिर ऐसे थे, तो मैंने ऐसे ले लिया। मैंने कहा इजी पड़ेगा, ये दूध वाले को देना है, धोबी को देना है, हैंडी है ना। ठीक है लेके तो आयो, लेकिन सुनो अगली बार से ना ये छुट्टे वुट्टे मत लेकर आना। देखो ये छुट्टे देख कर ना बड़ी बड़ी बुरी फीलिंग होती है। कैसा लगता है कि मैं ये पैसे भीख मांग के लेके आया? हाँ कुछ ऐसे। Come on, Anno. Do I look like a beggar to you? Come on, यार मेरी शक्ल देखो, तुम्हें beggar लगता हूँ मैं? I'm a topper from Chhapra University. मैं begging करूँगा? Come on, यार this is तुमने कई बार ऐसी बात करती ना, मैं really really hurt हो जाता हूँ. Come on, this is not right. नहीं नहीं बेबू please please देखो तुम please relax हाँ, don't mind. देखो मैं ये नहीं कह रही थी, मुझे पता है कि तुम ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते हो life में. Yeah, of course not. अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताती हूँ. तुमने मुझे सुबह मुझे हलवा पूड़ी भेजी थी ना? यम, इट वाज यम। रियली रियली यू लव्ड इट? क्या कि प्रेम क्या बनी थी, तो मैंने कहा वो मेरी बीवी को ना हलवा पूड़ी बड़ी पसंद है, तो उसने थोड़ी देर दी, बंद वाले भी जवा दी। अच्छा सुनो, वो जो दोपहर में तुमने राजमा चावल भेजे थे ना, वो बहुत इंटेलिजेंट काम किया था, मैंने तो खाना ही नहीं बनाया। गुप्ता जी देख गए थे वो? गुप्ता जी वो एक्चुअली प्रेम है ना, उसके पड़ोसी गुप्ता जी, उनके दोपहर में राजमा चावल बने थे, तो मैंने कहा मेरी वाइफ को बड़े पसंद हैं, तो उन्होंने कहा थोड़े से भिजवा दो फिर। इतना सोचते हो तुम मेरे बारे में, इतना सोचते हो। और मुझे तो लग रहा था कि तुम ना आज शाम का खाना भी लेकर आ जाओगे। एक्चुअली मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छा ओके, तो मैं जरा अभी आता हूँ। हाँ अभी आता हूँ, क्यों? एक क्लाइंट है, उसको प्लॉट दिखाना है। अरे इतनी रात में? भाई दिन में ऑक्यूपाइड रहता है, बिजी रहता है, रात को टाइम होता है उसके पास। ओके एक काम करो, तुम चिल्लर गिन के ना तिजोरी में रख देना। ऑलराइट मैं वेलकम टू PBIA। बहुत बड़ी कंपनी लग रही है। गई देखो क्या है कि बड़ी सिंपल सी बात है, इस बिजनेस में ना तो हमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की। ये बिजनेस टोटली चलता है आपके हुनर पे, जितना आप परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। सेठ जी मुजरा उजरा करना है क्या? आ रहा हूँ बे, वहीं पे आ रहा हूँ, इतना क्या को चल रहा है बे। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि इस बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है, कामयाब होना है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने हाथों पैरों का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, इस मेहनत फ्री होल्स। कहाँ बात करो भैया, तो पहले बिजनेस देखो है जहां में मेहनत नहीं करनी पड़ती।
ये तो ठीक है, लेकिन बिजनेस क्या है वो पता नहीं चल लिया है। इसका है कि इस बिजनेस को करने के लिए इस बिजनेस को करने के कई तरीके हैं। आपको इस बिजनेस के लिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू शुड लर्न टू यूज योर ओन बॉडी। भैया जी कौन कौन सा तरीका हो तो है? देखो क्या है कि तरीका नंबर वन, आप अपने आप को डाल दो साइलेंट मोड पर, चुपचाप बैठे रहो, दिन भर बैठे रहो, और अगर नहीं बैठ सकते तो लेट जाओ, दिन रात पड़े रहो, सोते रहो। क्या भैया लेट के भी बिजनेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर ठीक है, मैं तो लेट के ही बिजनेस करूंगा। वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस। सो गाइस नाउ, अगर गाना गाना है दिन भर गाना गाओ, आपको सुर में गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने आप बेसुरे होंगे उतने ज्यादा आप कामयाब होंगे, उतने ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। तो फिर ठीक है सेठ जी। और तरीका नंबर तीन कि इस बिजनेस को कराह कर करना। अरे भैया जी अजय कराते कैसे है? बड़े दरा आओ मेरे पास कुछ क्या बेटा। इसको कहते हैं कराना। So, what I was saying, to get sympathy, you have to show apathy. Sympathy and apathy are directly proportional to each other. I hope you understand. भैया जी जा बिजनेस के बारे में तुम पहली बार सुन रहे हैं, जो कराके और रो पीट का भी हो जाता है। भैया मैं भी जा बिजनेस के बारे में पहली बार ही सुन रहा हूँ। लेकिन सेठ जी एक बात मेरे भेजे में ना घुस रही कि आखिर बिजनेस क्या है? भीख मांगने का बिजनेस है। BBIA Beggars and Beggars International Association। इतनी देर से आप हमको इस बारे में लेक्चर दे रहे थे हैं, भीख मांगने के बारे में बता रहे थे। Of course, yes. तो फिर सेठ जी इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे कह देते कि भीख मांगनी है। फिर तरीका तुम लोगों का है जो गवार हैं, जाहिल हैं। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये मेरा तरीका है। और मैं इस बिजनेस की बड़ी इज्जत करता हूँ, आई रियली रिस्पेक्ट दिस बिजनेस। और जो परमानेंट नल्लाज हैं उनके लिए इससे बेहतर बिजनेस हो ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, राइट? अब डिसाइड करो करना आया नहीं करना, नहीं करना तो बोलो गो टू हेल, मैं ऑल ऑन्डे ऑर्गेनाइज कर लूंगा। क्योंकि क्या है, मुझे इस बिजनेस को बहुत दूर लेके जाना है। आई वॉन्ट टू बी इंटरनेशनल, आई वॉन्ट टू हैव फ्रेंचाइजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बी द ग्लोब ट्रॉटर। ओके भैया कब शुरू करना है ये? That's like a good boy. आए भैया कराए तू फैला रहे हो जो तुम्हारे को सोचो रात में भी चैन नहीं है, कसम से कह रही। देखो गाइस, जी सेठ जी, मैं तुम लोगों के इलाके बात जैसे कि झाकर कटी, रेल बाजार, अफीम कोठी, यू हैव योर ओन पॉकेट्स यू नो। अबे वो पॉकेट नहीं बे, जगह वाली पॉकेट बे। अरे यार हम कछु पूछ रहे हैं ना तुमसे। भैया ये बताओ जो आप इलाके बता रहे हो जहाँ में, मतलब हमको कब से कब तक बैठना है, मतलब टाइमिंग वाइमिंग कुछ बता दो हमको। हाँ बताऊंगा, ऑफ कोर्स बताऊंगा। देखो सुबह 6 से 10 आपको बैठना है झाकर कटी में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? हम तुमसे ससुर कछु पूछ रहे हो, तुम्हें इलाके बांट रही हो है? और हमें 10 से 2 बैठना है तुम्हें अफीम कोठी, और 2 से 10 बैठना है तुम्हें रेल बाजार, उसका ड्यूटी खत्म। बड़े बदतमीज हो तुम्हारे। तो फिर ठीक है सेठ जी, कल से ये बिजनेस शुरू कर देंगे हम। ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट। अरे वो हद हो गई यार, हम जा इलाका के दरोगा हैंगे ससुर, इतने आपस में इलाके बांट रहे हो। हम पूछ रहे हैं हमारी जा इलाका में कछु इज्जत है कि नहीं है? नहीं है बे। मनी करने सोशल ड्यूटी डेट। पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई, जोरा जोरी जोरा जोरी चने के खेत में।
खेत में इतना सब कुछ हो गया और हमको पता भी नहीं चला। अरे तुम कौन हो? भिखारी है हसीन औरत। हाँ, तुम भिखारी हो? रुको, हाँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। हमें खाना नहीं चाहिए, हम खाने के भूखे नहीं है, मोहब्बत की भूखे हैं। हमारी चाहत की झोली में अपनी मोहब्बत की भीख डाल दो हसीन औरत। क्या बोले? हमने कहा इस भिखारी से खाने को तो सब पूछते हैं, लेकिन इस भिखारी को क्या चाहिए वो नहीं पूछते। हाँ, लेकिन तुम तो भिखारी हो ना, अब तो तुमको भीख ना ही चाहिए तो फिर क्या चाहिए? हमको मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, इश्क चाहिए। अरे ये सब यहाँ ना ही मिलता है, खाना चाहिए तो बोलो, ना ही तो रास्ता नापो अपना। वैसे भी तुम हमको शरीफ भिखारी ना ही लग रहे हो, कुछ तो चालू टाइप के लग रहे हो। तुम तो नाराज होगी हसीन औरत। अरे का हसीन औरत लगा कर रखा है? हाँ, हमारा नाम अंगूरी मनमोहन तिवारी है, कुछ चाहिए तो बोलो। मोहब्बत चाहिए। तुमको ये सब यहाँ ना ही मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से, ना ही तो हम चिल्ला कर बता देंगे कि ये हमको छेड़ रहे हैं। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। भेज मेरे सखी दाता, भेज 56 करोड़ की चौथाई, वो भी सूद के साथ भेज, जो दे उसका गला, जो ना दे उसका कटे गला। ए हसीन औरत, हदिया कितना बदतमीज भिखारी है, जो ये मांग रहा है वो अगर सचमुच दे दे कोई इसको तो। ओ बड़े भाई, ओ चाचा चाची, मेरे भाई को अटैक आया। कैसा अटैक आया? अगर इसे डॉक्टर के पास ना लेके गए तो ये टाइम हो जाएगा। कैसे टाइम बोलेगा? कुछ मदद कर दो भाई। बाबूजी कुछ पैसे दे दो, मुझे मेरे भाई का इलाज करवाना है, ये आपको दुआ देगा। ओ बड़े भाई, तुम्हारा तो दिल बड़ा है भाई, 1-2 रुपए से क्या होगा, मेरे भाई को अटैक आया, टैप हो जाएगा। कैसे बोलेगा टैप? अरे भाई मदद मदद सेठ, मदद कर दो, मेरे भाई को अटैक आया है। कैसा अटैक आया है? अगर डॉक्टर को ना दिखाए ना तो ये टैप हो जाएगा। कैसे बोलेगा? मदद कर दो सेठ। यार हमें ऐसा काय लग रहा है जैसे तेरी आवाज हमारे वो घटिया नौकर से मिलती जुलती है। अरे सेठ, दुनिया की सारी आवाजें एक जैसी थोड़ी ना होती हैं। आवाज को गोली मारो सेठ, मेरा भाई टैप हो जाएगा। कैसे बोलेगा? कुछ मदद कर दो सेठ। बाबूजी रहम करो बाबूजी। अबे तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे भिखारियों पे क्या रहम करना, खा पी के मुस्टंडे हो रहे, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, एक शरीफ नौकर की 6 महीने की तनख्वाह मारे बैठे हो तुम। उसके वक्त में तुमको सब कुछ बता दिया? हाँ सब कुछ बताया, कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, कंजूस आदमी हो, 1 रुपए वाले भी आदमी ना हो, तुम तनख्वाह मारे बैठे हो, गरीब की सब पता है। सारे पर्सनल क्यों रो है, भीख मांगना? कसम से कह रही हूँ मलखान, मैं इस आदमी को खून कर दूंगा, 6 महीने की तनख्वाह मारे बैठा ये। मदद कर दो सेठ, अगर डॉक्टर साहब के पास नहीं लेके गए तो ये मर जाएगा, मदद कर दो सेठ। अबे तेरी क्या मदद करनी, जरूरतमंद तो वो है। दीदी बाबू, तेंदी से भिखारी भूखा है, कुछ तो दे दे बाबू। ले ले तेरे लिए लाऊं बेटे। बाबू ये पैकेट में क्या है बाबू? इसमें साड़ी है बेटे, तेरे लिए नहीं है, किसी भिखारन को देंगे। बाबा मुझको दे दो, मैं अपनी बीवी को पहना लूंगा बाबू। तेरे बीवी भी है? हाँ मेरी बीवी भी है बाबू। अच्छा, भीख नहीं मांगती? वो भीख मांगने वाली पार्टी नहीं है, वो तो भीख मंगवाने वाली पार्टी है बाबू। ओ अच्छा अच्छा, चल ठीक है ये ले ले बेटे, दुआएं देना है। चल कीड़े पड़ेंगे। अब तेरे दुश्मनों के कीड़े पड़ेंगे बाबू। हाँ ये सही है। कुछ मदद कर दो भाई। बाबूजी कुछ पैसे दे दो। बस तो भीख मांग ले, सब यही मारोगा क्या? नो भाग साला, यहाँ से भाग सा। कुछ मदद कर दो बाबा। भाई भी मारे, कुछ दे दो। बेटा पेलू तो शादी नहीं होगी, इधर इधर ये ले, जाके अनु को दे दे। क्या नाम? भैया ने भेजा है।
तो क्या ही बोलेगा, जा बोल। रात निकाल रहा है। बाबा इस भूखे भिखारी को कुछ दे दे बाबा। अरे बाबा ये चवन्नियों से काम चला रहे हो बाबा, कुछ सिक्के के डालो बड़े बड़े बाबा, 5-10 के सिक्के भी आ गए मार्केट में बाबा। कुर्ते वाले भाई साहब बाबा आहा। अरे कमीने बाबा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कटे गला। भेज 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 कुछ तो भेज। तो आज भी मुझे कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लाके देता है, और इतनी सुंदर साड़ी। थैंक गॉड मेरा विभू कुछ तो कर रहा है अब। देखा कैसे मीनल मुझे बात बात में विभू के लिए ताने देती थी, अब तो उसकी जबान ही बंद हो गई। भाभी जी घर पर हैं? तो भाभी जी आइए आइए। यार कमाल है, बिल्कुल ऐसी ही साड़ी, बल्कि यही साड़ी हमने मंदिर में उस भिखारी को दान में दी थी, और यही साड़ी भाभी जी ने पहनी हुई है।